नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। दिल्ली में अगर कोरोना केस बढ़ते रहे तो स्कूल एक बार फिर से बंद किए जा सकते हैं। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट शनिवार 25 दिसंबर को 0.43% दर्ज किया गया है। ऐसे में अगर संक्रमण के मामले काबू में नहीं आते हैं तो जल्द ही स्कूलों पर फिर से ताले लटक सकते हैं। दिल्ली सरकार कोरोना संक्रमण की दर, एक्टिव मरीजों की संख्या और अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या के आधार पर प्रतिबंध तय करेगी। हालांकि जानकारी के अनुसार दिल्ली में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल 27 दिसंबर 2021 से खुलने वाले थे। ऐसे में यह संशय अभी बाकी है कि जूनियर क्लासेस कल से शुरू हो पाएंगी या फिर अभी और इंतजार करना होगा। दिल्ली में सीनियर क्लासेस के लिए स्कूल 18 दिसंबर से खुले थे। पहले कोरोना और फिर वायु प्रदूषण के चलते स्कूल बंद किए गए थे। अब फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ चुका है, जिसे देखते हुए स्कूलों को फिर से बंद किए जाने का निर्देश जल्द ही जारी किया जा सकता है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़ते ही स्कूल बंद होने के साथ साथ अन्य प्रतिबंध जैसे कि जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दिल्ली प्रशासन का निर्देश है कि कोरोना पॉजिटिविटी रेट अगर लगातार 2 दिनों तक 0.5% से अधिक होता है तो फौरन कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिया जाएगा, जिसके तहत स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट शनिवार 25 दिसंबर को 0.43% दर्ज किया गया है। ऐसे में अगर संक्रमण के मामले काबू में नहीं आते हैं तो जल्द ही स्कूलों पर फिर से ताले लटक सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।